A very good morning to all the students of class 1st. Dear student, today we will discuss the 10th chapter of the social science. The name as Keeping Clean from the book Our Land, Our World. So, dear student, let's discuss with the chapter Keeping Clean. Dear student, we will learn some habits which will keep us clean in our daily routine. So let's begin with the chapter. Dear students, I am sharing my content in my screen. A healthy body has a healthy mind. अगर आपकी बॉडी हेल्दी होती है, स्वस्थ होती है, तो आपका दिमाग भी स्वस्थ होता है. आप किसी भी काम को अच्छे दिमाग से करने के लिए प्रिपेयर होते हैं. कीप क्लीन टू स्टे हेल्दी. आपको हेल्दी रहने के लिए अपने आप को साफ रखना बहुत जरूरी है. बच्चों, तो आप क्लीन कैसे होंगे? सो लेट्स पे स्पेशल अटेंशन टू फॉलोइंग पॉइंट्स. दीज आर वॉश योर फेस आईज सेवरल टाइम्स अ डे. आपको अपने हाथों को और अपने फेस को दिन में कई बार वॉश करना चाहिए. कब वॉश करना चाहिए? जब आप बाहर जाते हैं खेलने, बाहर से अंदर आते हैं, तो आपको अपने हैंड्स को क्लीन करना चाहिए. जब आप कोई भी काम, किसी भी काम को, किसी भी गंदी चीज को टच करते हैं, घर पे आप डस्टिंग करते हैं या कोई भी चीज करते हैं, तो आपको अपने हाथ को वॉश करना चाहिए. उसके बाद द नेक्स्ट वन इज वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट. जब आप टॉयलेट में जाते हैं, तो उसके बाद आपको अपने हाथों को सोप से या फिर हैंड वॉश से वॉश करना चाहिए. The next one is brush your teeth in the morning and at a night. जब आप morning उठते हैं, तो आपको उठने के बाद brush करना चाहिए और रात में सोने से पहले after dinner आपको brush करना चाहिए, जो आपको clean रखने में help करता है. Keep your nose clean. Use your handkerchief. आपको अपनी nose को clean रखना चाहिए और अपने hanky का यूज करना चाहिए. कट योर नेल्स रेगुलरली. कीप देम क्लीन. आपको जो आपके हैंड के नेल्स होते हैं, उनको साफ रखना चाहिए, क्योंकि जब आप खेलते हैं तो उसके अंदर सारा डस्ट भर जाता है, जिसके थ्रू जर्म्स आपके पेट में जाते हैं. तो आपके आपको अपने नेल्स को रेगुलरली कट करना चाहिए और उन्हें क्लीन करना चाहिए. इन द सीक्वेंस ऑफ क्लीनिंग, the next one is take a bath daily in the morning. आपको रोज सुबह नहाना चाहिए और अपने आप को क्लीन रखना चाहिए. comb your hair daily. आपको अपने बालों में डेली ब्रश करना चाहिए. देखिए, आपको मैंने अपनी स्क्रीन में कुछ पिक्चर्स के थ्रू भी ये मैसेज दिया है कि आप अपने आप को कैसे क्लीन रख सकते हैं. Wear clean clothes and keep them tidy. आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए? साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए और उन्हें साफ सुथरा मेंटेन भी करना चाहिए. Wash your hand before eating anything. This is very important point. जब भी आप कुछ खाते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं या कुछ भी इवनिंग स्नैक्स करते हैं, उससे पहले आपको क्या करना चाहिए? आपके हैंड को वॉश करना चाहिए. अगर आप वॉश नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपके गंदे हाथों में जो भी जर्म्स हैं, वो खाने के साथ आपके पेट में चले जाएंगे, जिससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है. Rinse your mouth after meals. जब आप खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपको अपने माउथ को रिंस करना चाहिए, जिससे कोई भी खाना आपके माउथ में ना रहे, जिससे आपके टीथ भी खराब नहीं होंगे. All love one who is always clean. सभी अच्छी चीजों को क्या करना चाहिए? आपको क्लीन रखना चाहिए. So these are some points which will help you to stay
clean. So let's have a quick revision on this chapter. What we have learned from this chapter? We learn how to stay clean, because a healthy body has a healthy mind. How wash your face every several time a day. आपको अपने हाथों को दिन में कई बार wash करना चाहिए. Wash your hand with soap after going to the toilet. आपको क्या करना चाहिए? After toilet, जब आप washroom से आते हैं तो अपने हाथों को किससे wash करना चाहिए? Hand wash से या फिर soap से. Brush your teeth in the morning and night. मॉर्निंग जब आप उठते हैं आपको अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए, और रात में खाने के बाद आफ्टर डिनर आपको ब्रश करके सोना चाहिए, जिससे आप रात में सोते हैं तो आपके मुंह में कोई भी जर्म्स ना रहे. ब्रश योर टीथ, कीप योर नोज क्लीन. आपको अपनी नोज को क्या है, साफ रखना चाहिए. अपने नेल्स को रेगुलरली कट करना चाहिए, और डेली क्या करना चाहिए, अपने आप को वॉश करना चाहिए, नहाना चाहिए, डेली अपने बालों में कॉम करना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए, और खाने के बाद अपने हैंड को वॉश करना चाहिए. और आफ्टर मील आपको अपने माउथ को रिंस करना चाहिए. दीज आर सम क्लीनिंग हैबिट्स which we have learned from this chapter. Dear students, we will study the 11th chapter in our next lecture. That's it for today. Thank you.